नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों, मैं आपकी फिर से एक मुलाकात करवाऊंगा अपने ज़माने के एक प्रसिद्ध अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनेता और या तो फिर यूं कहिए अपने ज़माने में समय को बदलने वाले एक बहुत ही बड़े इंसान से। दोस्तों, उनका नाम है मुरथुर गोपालन रामचंद्रन, जो कि MGR के नाम से तमिलनाडु में बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिन्हें MG रामचंद्रन के नाम से भी लोग बहुत जानते हैं। उनके चाहने वाले लोग अक्सर उन्हें MGR के नाम से याद करते हैं। वह एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे और राजनीति के जीवन में तमिलनाडु में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचने वाले पहले अभिनेता थे। अभिनय और राजनीति MGR के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा रही। वह युवावस्था में नाटक करने वाले लोगों के साथ नाट्य मंचनों पर व्यस्त रहे और अपनी जवानी के दिन में ही वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। अपने सिद्धांतों और इंदिरा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। तमिल सिनेमा में 30 साल से अधिक समय तक राज करने वाले MG रामचंद्रन ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने बाद में DMK पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। DMK पार्टी जिनकी अभी कुछ ही दिन पहले मृत्यु हुई है, M करुणानिधि। MG रामचंद्रन के पास राजनीति में सफल होने का बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि वह तमिल फिल्म अभिनेता के तौर पर सुप्रसिद्ध हो चुके थे। आगे चलकर MGR ने अपनी स्वयं की पार्टी की स्थापना की और जिसको नाम दिया ADMK, जिसे आज AIADMK के नाम से जाना जाता है, जिसकी चीफ कुछ ही दिन पहले जिनकी मृत्यु हुई थी जयललिता थी। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। MG रामचंद्रन भारत की ऐसी पहली फिल्म हस्ती हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने। MG रामचंद्रन को लोग बहुत चाहते थे, क्योंकि वह एक सहृदय इंसान थे और वह अपने परोपकार के कार्यों और ज़रूरतमंद व गरीबों के प्रति अपने प्रेम के लिए सभी जगह पहचाने जाते थे। उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को अगर देखें तो मुरथुर गोपालन रामचंद्रन, उनका जन्म केरल के एक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था मेलाकथ गोपाला मेनन और माता का नाम था मुरथुर सत्यभामा, जो कि केरल के पलक्कड़ प्रांत में बड़ा वन्नूर के रहने वाले थे। लेकिन MG रामचंद्रन के पिता को किसी कारणवश अपना मूल घर त्याग करके तमिलनाडु में आना पड़ा और MG रामचंद्रन का जन्म सेलन में तमिलनाडु में हुआ, सेलन जो कि अभी श्रीलंका में आता है। तो इस तरह से वे तमिल में रहने बसने लगे और पूरे के पूरे तमिल हो गए। MG रामचंद्रन का जन्म 17 जनवरी 1917 को हुआ था, सेलन जो कि वर्तमान में श्रीलंका में है। तो बचपन से ही MG रामचंद्रन एक कट्टर हिंदू थे और भगवान मुरुगन की आराधना में उनका दृढ़ विश्वास था। भगवान मुरुगन जो कि तमिल हिंदू समाज के सबसे पूजनीय देवता हैं। MGR के फिल्मी करियर के बारे में अगर हम देखें तो अपनी जवानी के दिनों से ही MGR अभिनय से जुड़ गए थे। अभी MGR जवान ही हुए थे कि उनके पिता का निधन हो गया और पैसे कमाना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता थी, जिसके चलते MGR ने अपनी नाटक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और उनका भाई भी इस नाटक समूह का सदस्य था। नाटक में कुछ सालों तक काम करने के बाद MGR ने 1935 में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर रखे। कॉलीवुड में बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म सन 1936 में आई, साथी लीलावती। इस फिल्म में उन्होंने एक सहायक की भूमिका निभाई थी और इस एकमात्र फिल्म के बाद उन्हें 1940 के दशक में फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने का प्रस्ताव मिला। MGR को तमिल फिल्म उद्योग में एक कॉमर्शियल, रोमांटिक और एक्शन हीरो के तौर पर स्थापित करने वाली फिल्म जो कि M करुणानिधि द्वारा लिखी गई थी, राजकुमारी, और सन 1947 में सिनेमाघर में इस फिल्म का प्रदर्शन हुआ। इसके बाद से लेकर के अगले 3 दशक तक MG रामचंद्रन ने तमिल फिल्म उद्योग पर राज किया और वर्ष 1956 में MGR ने अभिनय के अलावा फिल्म निर्माता और निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा और उनकी पहली फिल्म नाबूदी मन्नान, जो कि बहुत ही बड़ी
हिट साबित हुई थी। अपनी पहली ही फिल्म से उन्हें बहुत ही सुंदर एक सफलता चखने का मौका मिला। एमजीआर के राजनीतिक करियर की बात करें तो एमजी रामचंद्रन, जो कि एक युवा अवस्था से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे और वर्ष 1953 तक वह पार्टी के सदस्य भी बनकर रहे। एमजीआर महात्मा गांधी के सिद्धांतों के बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रशंसक थे और इसीलिए वह खादी के कपड़े ही सिर्फ पहना करते थे। वर्ष 1953 में एम करुणानिधि, जो कि उस समय डीएमके पार्टी के नेता थे, उनके अनुरोध करने पर एमजीआर ने डीएमके यानी कि द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम पार्टी को ज्वाइन किया। एमजीआर की प्रसिद्धि को भुनाते हुए डीएमके ने द्रविड़ आंदोलन में डीएमके को मुख्य चेहरा बनाया गया और यह आंदोलन तमिलनाडु में 1950 के दशक का सबसे मुख्य राजनीतिक आंदोलनों में से एक था। वर्ष 1962 में एम जी रामचंद्रन तमिलनाडु राज्य विधान परिषद के सदस्य बने और 1967 में उन्हें तमिलनाडु विधानसभा का सदस्य चुना गया। सन 1967 में एम जी रामचंद्रन को उनके ही एक साथी अभिनेता और राजनेता एम राधा ने गर्दन में गोली मारी, जिसमें उनकी जान बाल बाल बची और उन्हें बहुत महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। ऐसी अवस्था में होते हुए भी एम जी आर ने उस समय के चुनावों में भाग लिया और विधानसभा चुनावों में उन्होंने न सिर्फ भाग लिया बल्कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को दुगने से अधिक उन्होंने वोट प्राप्त किए और उसे हराया। विधानसभा के इतिहास में सबसे अधिक वोट उन्हें आज तक मिले और वर्ष 1969 में अभिनेता और राजनेता अन्नादुरई, जो कि एमजीआर के राजनीतिक गुरु भी थे, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद डीएमके पार्टी में एमजीआर को कोषाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अन्नादुरई की मृत्यु के बाद डीएमके में एमजीआर की वह वैल्यू नहीं थी जो कि पहले थी और उनकी मौजूदगी का अंत भी हो गया। क्योंकि एक तरफ एम करुणानिधि, जो कि अपने बेटे को अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, और दूसरी तरफ एम करुणानिधि का एमजीआर के साथ झगड़ा होने की वजह से एमजीआर ने डीएमके पार्टी का साथ छोड़ दिया और वर्ष 1972 में एमजीआर ने अपनी स्वयं की एक नई पार्टी अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कागजम यानी कि एआईडीएमके की स्थापना की, जो कि बाद में जाके एआईएडीएमके के नाम से जानी गई। और अपने गुरु से यानी कि अन्नादुरई से प्रेरित होकर एमजीआर ने भी अपनी नई बनी हुई पार्टी के प्रचार के लिए तमिल फिल्मों का काफ़ी इस्तेमाल किया। एमजीआर ने राज्य का चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सन 1977 तक एमजीआर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके थे और जो कि लगातार 3 कार्यकाल तक, उनकी मृत्यु जो कि 1987 में हुई थी तब तक वह मुख्यमंत्री रहे। एमजीआर के बारे में अगर बात की जाए तो एमजी रामचंद्रन ने हमेशा तमिलनाडु में गरीबों, ज़रूरतमंदों और वंचित लोगों की भलाई का काम किया और मुख्यमंत्री रहते हुए एमजीआर ने पोषण मध्यान्ह भोजन योजना शुरू की, जिसके तहत तमिलनाडु के सरकारी संस्थानों में आने वाले सभी बच्चों को लाभ मिलता था। इस तरह के उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुए। भारत चीन के बीच 1962 में युद्ध होने के बाद युद्ध कोष में धनराशि दान करने वाले एमजीआर पहले भारतीय थे। एमजीआर को सन 1960 में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया लेकिन उन्होंने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया। एमजीआर पारंपरिक हिंदी बोलने की बजाय अपनी मातृभाषा तमिल में बोलना चाहते थे और इस पर उनके और सरकार के बीच में असहमति थी, इसलिए उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना कर दिया। एमजीआर को सन 1972 में फिल्म रिक्शाकरण में अपनी भूमिका के लिए वेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। एमजीआर को मद्रास विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली और तमिलनाडु समाज में बेहतरी में योगदान देने के लिए उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1988 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। एमजी रामचंद्रन ने 3 बार शादी की और उनकी पहली 2 पत्नियां समय से पहले ही चल बसी थी। उनकी तीसरी पत्नी जानकी रामचंद्रन ने एमजीआर की मृत्यु के बाद एआईएडीएमके की बागडोर संभाली थी। एमजी रामचंद्रन किडनी की समस्या से पीड़ित थे। उन्हें अक्टूबर 1984 में किडनी फेल होने के कारण
यूएस में ब्रुकलिन में डाउन स्टेट मेडिकल सेंटर में भर्ती किया गया था और इसी वर्ष उन्हें किडनी प्रत्यारोपण भी करना पड़ा। 24 दिसंबर 1987 को एमजी रामचंद्रन की मृत्यु हो गई, जिसकी खबर फैलते ही तमिलनाडु में अशांति फैल गई। सरकार और पुलिस अधिकारियों के लिए जनता के बीच भड़के उन्माद और भावुक तमिलों को रोकना मुश्किल साबित हो रहा था। लोग एक दूसरे से झगड़ा करके बड़ी संख्या में लड़ मर गए। उनकी मृत्यु के बाद AIADMK दो धड़ों में बट गई। एक धड़े में उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन थी और दूसरी ओर जे जयललिता। MGR का फिल्म स्टूडियो अब एक महिला महाविद्यालय में बदल चुका है और मद्रास के टी नगर क्षेत्र में स्थित उनका घर वर्तमान में एक स्मारक घर है, जहां पर पर्यटक आते हैं। तो MGR के बारे में दोस्तों आपको इस वीडियो में अधिक से अधिक जानकारी देने की मैंने कोशिश की। MGR के बारे में जानकारी पा करके आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।